नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ मछली की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये मछली हमें भैया नदी से पकड़ के लाए हैं। बहुत ही फ्रेश मछली है और चटक भी बहुत रही है ये मछली। रात के समय ला दिए थे तो हमने इसके रात के टाइम में ही इसके अच्छी तरह से साफ सफाई करके इसमें हल्दी और नमक डाल करके इसे हमने रख लिया। और मैंने दोपहर 12 बजे इसको पकाया। इसमें मैंने खास मसाले में मैंने डाला है मगज सीड्स। ये मगज सीड्स का मतलब आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। ये है आपका खरबूजे का बीज जो मैं बाज़ार से ख़रीद के लाई थी। इसमें आप मगज भी डाल सकते हैं या तो येलो शीट्स भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो ज़्यादा वही डालें। मैं थोड़ा सा इसका टेस्ट कैसा होता है इसीलिए इसे कुछ अलग तरीके से पकाने की कोशिश कर रही थी। फिर मैंने इसमें परवल और आलू के लंबे लंबे चम्मच काट दिए थे। आलू और परवल को डाल करके इसमें अच्छी तरह से पहले दोनों को डीप फ्राई किया। फिर उसके बाद मैंने मसाले बनाए। मसाले के पेस्ट में मैंने डाला है मगज का पेस्ट, बीट का पेस्ट, हल्दी, नमक, जिंजर गार्लिक और ओनियन। टमाटर मैंने इसमें नहीं डाला आज, टमाटर उतना डालने मैं हर एक रेसिपी में टमाटर का यूज़ नहीं करती हूँ, थोड़ा कम ही करती हूँ। जिस समय डालने का मन करता है उस समय डाल देती हूँ, जिस समय मन नहीं करता तो उस समय नहीं देती। तो इस मसाले को मैंने अच्छी तरह से फ्राई करके इस आलू को मिक्स किया और परवल को थोड़ा सा मैंने ऐसे ही खाने के लिए रखा जो डीप फ्राई ऑलरेडी हो चुका था, और थोड़ा सा मैंने इस मछली में मिक्स किया। सच्ची बताइए ये बहुत 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 ही ज़्यादा टेस्टी बना था। मैंने सोचा नहीं था कि इतना ये टेस्टी बनेगा। फिर उसके बाद खाना बनाते बनाते बर्तन भी इतने सारे जम गए थे कि उसी बीच में मैंने बर्तनों की भी साफ़ सफाई कर दी। अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।